मोहतरमुल मुखाम अली जनाब खालिद अहमद साहब कल्याणी, मोहतरमुल मुखाम जनाब अलहाज मोहम्मद असलम साहब कल्याणी, रहमान सेठ साहब, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब, नज़ीरुद्दीन साहब कल्याणी फैमिली के तमाम अरकान और मेरे रुफ़काए कार, तमाम साथियों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़नामा इन्क़लाब दक्कन के आज सिल्वर जुबली तकरीब के मौके पर कल्याणी फैमिली की जानिब से तहनियत पेश करना, मैं समझता हूँ ये सिल्वर जुबली तकरीब की हकीकी मसरत का एक बहुत बड़ा इजहार है। मैं कल्याणी फैमिली का और उनके रुफ़ा का तमाम का ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने इस हकीर को और एक छोटे से रोज़नामा इन्क़लाब दक्कन को इस काबिल समझा और यहाँ पर बुलाकर जो है ना तहनियत पेश की। साथ ही साथ मुझसे कहा गया है कि जो है ना दुश्वारियों का जो सिल्वर जुबली तकरीब तक जो पहुँचने का जो सफ़र रहा है उसमें यकीनन बेशुमार मसाइल और दुश्वारियों का सामना ज़रूर करना पड़ा, लेकिन आपकी चाहत, आपकी दुआएं, आपकी सरपरस्ती ने इतना आसान कर दिया। हम खुद सोच में हैं कि 25 साल कब निकल गए। हम आपके अदबन गुजारिश करते हैं कि हमारी टीम के लिए दुआ करिए कि हम उर्दू की और खिदमत कर सके और अच्छा से अच्छा मवाद दे सके। माशरे की इस्लाह के लिए किसी भी अखबार का अहम रोल होता है। मैं समझता हूँ कि इन्क़लाब दक्कन ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है। हो सकता है कुछ खामी हो या कमी हो, इंशाअल्लाह अब जो आइंदा साल हैं तब तक भी अल्लाह ताला हमें हयात दिया है, उसको भरपूर मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। मैं ख़ासकर असलम कल्याणी साहब का, ज़ियाउद्दीन साहब का और हमारे रहमान सेठ साहब, खालिद साहब और हमारे सरपरस्त मोहतरमुल मुखाम जनाब एस के कांता साहब का नाम लिए बगैर भी नहीं रह सकता कि उनकी रहनुमाई ने हमें एक बहुत बड़ी जहद दी है। और सच लिखना, सच बोलना, मैं समझता हूँ जब से उनसे वापस गिर रही है और भी जो है ना सच को जो है ना मुस्तकम किया है और जो है ना उन्हीं की एक तहरीक को लेके चलने की जो है ना मैंने कोशिश की है। मैं हमारे आनंद रचा राजप्पा साहब, रफ़ीक साहब, हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स आरिफ साहब, फिरोज़ साहब, तमाम रशीद सगरी साहब हैं और जितने भी साथी हैं मैं उनका भी जो है ना शुक्रगुजार हूँ कि हमारे इदारा इन्क़लाब दक्कन से वाबस्ता जो हजरात बेपनाह जो है ना खिदमत अंजाम दिए हैं, जो हमारे बीच नहीं हैं, इंतकाल कर गए हैं, उनमें ख़ासकर मुमताज़ साहफ़ी जनाब जब्बार जमील साहब, जनाब नज़ीर अहमद साहब और अशफाक अहमद सुहेलवर्दी साहब और साथ साथ जो है ना अलहाज सैयद ग़ुलाम हुसैन साहब जो हमारे सरपरस्त थे उन्होंने भी हाल में इंतकाल कर गए हैं। जब्बार जमील साहब भी जो है ना बहुत नुमायाँ खिदमत अंजाम दी है। मैं इस मौके पर उनको याद किए बगैर रह नहीं सकता और साथ ही साथ उनको भरपूर खराज अकीदत पेश करता हूँ। उन्हीं की जो है ना मेहनतों और काविशों का नतीजा है कि इन्क़लाब दक्कन यहाँ तक फुलाए। मैं और जनाब असलम कल्याणी साहब का और कल्याणी फैमिली का और एक मरतबा शुक्रिया अदा करते हुए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको इतने सालों से सपोर्ट किया? मैं उनका तो ये तहनीती उन्हीं की है, असल जो है ना उनका जो सपोर्ट है ये जो है ना एक टीम वर्क है, ये टीम से जो है ना इन्क़लाब दक्कन है, वरना इन्क़लाब दक्कन को भी माने नहीं है। मैं तमाम को जो है ना अपने साथ जो है ना रखा हूँ और वो जो है ना इसके पूरे पूरे मुस्तक है सिल्वर जुबली की। पहले उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और उसके बाद मैं कबूल कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तरक्कियों की दौड़ में
बस उसका जादू चलता है, तरक्कियों की दौड़ में बस उसका जादू चलता है, बना के रास्ता अपना जो भीड़ से निकलता है। पाशा भाई आए हुए हैं, 25 साल जो सिल्वर जुबली हुए हैं इनखिलाफ दखन पर। मैं सच बड़ा कड़वा होता है, लेकिन सच पे चलते हुए, सच पे चलना कांटों पे बोलते हैं, वो सफ़र पूरा करे हैं पाशा भाई। भाई मेरे पास जो आकर यहाँ पर मेरी जो इज्जत बढ़ाए हैं उनके शुक्रिया रहे। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो 25th सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस है और इसके अंदर पाशा अंकल का, उनकी मेहनत और उनका स्टाफ का दिन रात जो डेडिकेशन है और कितने भी लूपहोल आए वो है फिर भी ओवरकम करे उन्होंने, आज ये मौके पे मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, एंटायर स्टाफ का और बीएफएफ कल्याणी फैमिली सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और जो भी अटेंडेंस है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।